Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. AK Study Center और People Welfare Foundation student के development के लिए, student को आगे बढ़ाने के लिए 24/7 काम कर रही है. चाहे वह कोई भी विषय हो, चाहे वह शिक्षा में, AK Study Center और People Welfare Foundation का उद्देश्य इस बात के लिए कृत संकल्पित है कि भारत कि जो हमारा भारत का उद्देश्य है, भारत को सुपर पावर बनाना, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना, जो हमारा वर्तमान स्थिति है, भारत एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, और भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाना है, जो हमारा भारत का जो उद्देश्य है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी बोलते हैं. और इस बात का जिक्र हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भी यह उद्देश्य है. बहरहाल ये अलग वाली बात है कि हमारे भारत के बहुत सारे टीचर या यूं कहें अधिकतर टीचर अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को नहीं समझ पाए हैं, राष्ट्र शिक्षा नीति क्या है. और यह राष्ट्र शिक्षा नीति को टीचर को ही समझना उसके लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि टीचर के साथ भारत के सभी नेताओं को, आम लोगों को भी समझने का जरूरत है. जैसा हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार का जो ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, हमारा राष्ट्र शिक्षा नीति जो 108 पन्ना 108 पेजेस में दिया गया है, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है. और उसके पढ़ने के आधार पर भी मैं यह बता रहा हूं कि राष्ट्र शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाना क्यों जरूरी है. क्योंकि भारत एक ही ऑप्शन है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना ही होगा. भारत को अगर विकसित राष्ट्र नहीं बनाया गया, भारत को सुपर पावर नहीं बनाया गया, तो ठोकर फिर से ठोकर मिलेगा. हम ये देख चुके हैं, कोरोना के समय में भी देख चुके हैं, अभी भी हम लोगों ने इस बात को देख लिया. रशिया और यूक्रेन का मामला हम लोगों ने देख लिया है. और ये ठोकर खाने के बाद भी 1971 का जो घटना है, वो शर्मनाक घटना, वो बेइज्जती वाला घटना, वह ऐसा घटना, उस घटना से भी अगर हम भारतवासी सबक नहीं लिए, भारत के नेता लोग सबक नहीं लिए, भारत के टीचर सबक नहीं लिए, भारत के विद्यार्थी सबक नहीं लिए, भारतवासी सबक नहीं लिए, तो एक बार रोना तो पड़ेगा. भारत के लोग तो रोएंगे रोएंगे ही नहीं, बल्कि रोना तो पड़ेगा. और रोने के अलावा फिर उनका भगवान ही भला करे, फिर उसके बाद क्या होने वाला है वो कोई भी नहीं कह सकता है. एक बार कई बार भारत को चांस मिला है जब भारत ने उस मुश्किल का सामना किया है. और आज के इस ग्लोबल टाइम में, ग्लोबलाइजेशन के समय में, और इस प्रकार जो हमारा पूंजी का ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, हर चीज का वैश्वीकरण हो चुका है, जो कैपिटलिज्म का जो दौर है, पूंजीवाद का दौर, एक तरफ भारत, पूरा विश्व आज इंटरनेट, यूट्यूब और फेसबुक से, आज वैश्विक समाज से कोई भी नहीं बच सकता, वैश्विक प्रभाव से कोई नहीं बच सकता है, टेक्नोलॉजी से कोई भी व्यक्ति दूर नहीं रह सकता है. हर व्यक्ति का प्रभाव इस पर है. और देश और दुनिया में, आज दुनिया के किसी कोने में क्या हो रहा है, उसका प्रभाव पूरा दुनिया पर पड़ता है, भारत पर भी पड़ता है, और भारत पर भी पड़ने वाला है. तो भारत के नागरिकों को उस स्तर का बनाया जाए, उस स्तर का भारत के नागरिकों को पहुंचाया जाए, जहां से भारत के सारे नागरिक मिलकर एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करेंगे. और इस प्रकार का शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण भारत के लोग तभी कर सकता है जब भारत का हर एक एक बच्चा, हर एक विद्यार्थी, हर एक एक लोग मजबूत होंगे, ताकतवर होंगे, बुद्धिमान होंगे, वह राजनीतिक रूप से सशक्त होगा, राजनीतिक लोगों को बराबरी का अधिकार, हर लोग राजनीतिक स्वतंत्रता लोगों को मिलेगी, आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, लोगों में आर्थिक उन्नति होना चाहिए, हर व्यक्ति स्ट्रांग होना चाहिए, हर व्यक्ति क्रिएटिव होना चाहिए, हर तरीके से भारत के लोग एक एक लोग मजबूत हो, शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो. अगर भारत के लोग मजबूत नहीं होंगे, शक्तिशाली नहीं होंगे, तो इस बात को कान में ध्यान देके आप रख लीजिए. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जो यहां के अधिकतर लोगों को अशिक्षित रखेंगे, पढ़ने नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, और यहां के लोगों को गरीब रखेंगे, और हम ही केवल अमीर बनेंगे, और बड़ा आदमी हम ही बनेंगे, करोड़पति हम ही बनेंगे. तो सुन लीजिए, ये कॉन्सेप्ट आज से हमारा भारत का 4000 पुराना कॉन्सेप्ट था, आज इस भारत में नहीं चलने वाला है, और विश्व के किसी भी कोने में नहीं चलने वाला है. और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह कॉन्सेप्ट अगर कोई व्यक्ति रखता है तो दूसरे के लिए नहीं, बल्कि अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, अपना ही जिंदगी बर्बाद करने के बराबर है. अगर इस देश के हर लोग बढ़ेंगे तो दूसरे लोग भी बढ़ेंगे. अगर कोई ऐसा व्यक्ति सोचता है कि लोगों का बुर्बक रखेंगे, केवल वोट लेंगे, या हम ही धनवान बनेंगे और नीचे का लोगों को नौकर बना के उसका इस्तेमाल करेंगे, तो समझ जाइए, सुधर जाइए, और समझ जाइए वो दिन दूर नहीं है जब हमारे पड़ोसी
तेज ही दौड़ा दौड़ा के मारेंगे हम लोगों को और आपको भी मारेंगे। उस समय सेनाओं की आवश्यकता होगा, सोल्जर की आवश्यकता होगा कि देश को बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए। और तुम्हारा पैसा और बैंक में रखा हुआ पैसा और घर में धन जमा करने जो पैसा रखे हो उसको बचाने के लिए कौन तुमसे तुम्हारा सहायता करने के लिए, तुम्हारे पक्ष में लड़ने के लिए कौन जवान आएगा, कौन सैनिक बनेगा? यही से इसी देश का, इसी माटी से, इसी धरती के बच्चे, भारत के बच्चे को ही खोजोगे कि सिपाही बनने के लिए और बॉर्डर में जाकर लड़ने के लिए, इंडियन आर्मी में लड़ने के लिए या नेवी फोर्स में लड़ने के लिए। इन्हीं भारतवासियों की शहादत की जरूरत होगी, इन्हीं के जीवन की जरूरत होगी और सुधर जाओ। और ये व्यक्ति भी चाह के भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे क्योंकि बाहरी शक्ति मसल देंगे, चींटी की तरह तुम्हें मसल कर रख देंगे कि आज न्यूक्लियर पावर का टाइम है। एक न्यूक्लियर पावर काफी है भारत को नेस्त नाबूद करने के लिए, तहस नहस कर देने के लिए। एक न्यूक्लियर पावर, एक मिसाइल अगर इस प्रकार का गिरा दिया जाता है तो 50% 25% भारत एक बार में भी साफ हो सकता है। और पूरा दुनिया के अधिकतर देश न्यूक्लियर पावर से समृद्ध है। किसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है? अब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है क्या? चाइना के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है क्या? जरा देख के देखिए कि जो इकोनॉमिक आर्थिक हैसियत चाइना का कितना है। क्या भारत उस कंडीशन में कहीं भी नहीं ठहरता है केवल झूठा अहंकार में रहने से कि हम भारत के नागरिक हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है और बहुत इज्जत वाले लोग हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला जब तक भारत के सारे लोग शिक्षित नहीं होंगे, भारत के सारे लोग धनवान नहीं होंगे, लोग एजुकेशन नहीं मिलेगा, लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं, रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। लोग भी सुरक्षित नहीं, हम भी सुरक्षित नहीं है। सारा जो धन जमा किया ना एक बार में ही एक टैंक का गोला दाग कर सब तहस नहस हमारा कर देगा और एक बार ही सारा बैंक उड़ा देगा, सारा खत्म, एक बार हैकिंग कर लेगा, सारा नोट चला जाएगा स्विस बैंक और वहां पर सारा जीवन भर का जो करोड़ रुपए 5-10 करोड़ कमा के रखे ना सब खत्म हो जाएगा। इसलिए यहां पर जरूरत है ऐसे लोगों का, ऐसे विद्यार्थियों को ट्रेन किया जाए कि वह साइबर वॉर में लड़ाई कर सके, भारत को साइबर सुरक्षा दे सके। जो हैकिंग हमारे देश का बैंक सिस्टम आरबीआई को जो हैंग करने का कोशिश कर रहे, हमारे बैंकों को, हमारे अकाउंट को हैक करने का कोशिश कर रहे, हमारे अकाउंट को सुरक्षित रखे। आज सर्व की बात है, आप देखिए पूरा गंदगी फैल गया है जामताड़ा का पूरा इंडिया में और इंटरनेशनल चर्चा भी आज जामताड़ा का हो रहा है। गंदर झिनोना यह संस्कार जो बच्चों में लोगों में फैला हुआ है, यहां कहीं नहीं बल्कि विदेश के भी लोग ये चीज कर रहे हैं। आज हमारा देश के लोग वो भी सुरक्षित नहीं है। यही टेक्नोलॉजी और यही हुनर जो गलत काम में कर रहे हैं, देश को खोखला करने के लिए कर रहे हैं, यही लोग, यही चोर लोग, यही साइबर क्रिमिनल लोगों को अगर इस तरह से सिस्टम बना दिया जाए कि यही अपना हुनर का देश की रक्षा में इस्तेमाल करे और एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि ये लोग एटीएम चोरी करके जितना पैसा नहीं कमाते हैं, देश का सुरक्षा करने से उससे ज्यादा करोड़ रुपया कमा सकते हैं। हमारे देश में सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हुआ, इस प्रकार का पढ़ाई नहीं विकसित किया गया। ये लोग भी दिखावे में विलासपूर्ण जीवन भोगने में जीने के लिए ये सब गलत काम कर रहे हैं, लेकिन पता होना चाहिए ये सब छोटा सा चीज है। 2-5-4 करोड़ आदमी महीना भी आराम से भी कमाया जा सकता है। गलत है वैसा शिक्षा देने का, वैसा शिक्षा मिल जाएगा तो ये लोग खुद ही गलत काम नहीं करेंगे बल्कि अपना हुआ सारा शक्ति पुलिस को सहायता करने के लिए, प्रशासन को सहायता करने के लिए, देश का सपोर्ट करने के लिए लगाएंगे। तो जरूरत है ऐसा सिस्टम का, वैसा सिस्टम भारत सरकार को सोचना चाहिए, हम सभी नागरिक को सोचना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और इस सिस्टम पर पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एक स्टडी सेंटर काम कर रही है।